हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम सतीश, आप सभी को स्वागत है शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस आयरलैंड के बीच में होने वाली पहला वनडे मैच के बारे में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोनों टीम की प्लेइंग 11 और कैप्टन और वाइस कैप्टन और की प्लेयर्स और स्कोर कार्ड, सारे डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाला आइकॉन को भी क्लिक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आपको डिटेल्स में दिखाने वाला हूँ सब। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये मैच की डिटेल्स। ये मैच पहला मैच है और आयरलैंड टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ है 2020। और ये मैच केंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में खेला जाएगा। ये भारत के अनुसार ये मैच 11 बजे रात को होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की प्लेइंग 11 देखा जाए तो यहाँ पर शाई होप है विकेट कीपर में, इवन लिविस, ब्रैंडन किंग, सिमरन हेटमायर, निकोलस पूरन, किरण पॉलर्ड कैप्टन है, रॉस्टन चेज, कीमो पॉल, हेडन वॉल्सर, केरी फेयरी, अलजारी जोसेफ और शेल्डन कॉटरल है। और यहाँ पर बेंच की प्लेयर्स की बात करें तो इन प्लेयर अब बेंच हो सकते हैं। इसकी प्लेयर्स है लो हेडन वॉल्सर, खैरी फेरेरी, इन दोनों में एक को मौका मिल सकता है। और सुनील, एम्ब्रिस और रोमारियो इसकी प्लेयर्स है। और यहाँ पर आयरलैंड की प्लेइंग 11 देखा जाए तो पॉल स्टर्लिंग, गैरेट डेलनी, एंड्रू बैलबरिन कैप्टन है, विलियम पॉटफील्ड, केविन ओब्रायन, लॉर्कन टक्कर विकेट कीपर है, सिमी सिंह, मार्क आइडर, मैरी मैक्रेटी, एंडी मैकब्रेन और बॉडी रैंकिन है। यहाँ पर इसकी प्लेयर्स की मतलब बेंच प्लेयर्स की बात करें तो जेम्स मैकोलम और जे गैरी विल्सन और क्रेग एंगेफ्रेंड। यहाँ पर कैप्टन ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर मैं कैप्टन ऑप्शन में मैंने शाई होप, सिमरन हेटमायर और निकोलस पूरन को लिए हैं। और यहाँ पर वाइस कैप्टन की बात करें तो एंडी बैलबरिन और पॉल स्टर्लिंग और बॉयड रैंकिन है। फ्रेंड्स, यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की प्लेयर्स और टीम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर की प्लेयर्स की पहला बात करें तो शाई होप है, निकोलस पूरन, शेल्डन कॉटरल और कीमो पॉल है। शाई होप ने 10 मैचों में 563 रन मारे हैं और इनकी स्ट्राइक रेट एवरेज देखा जाए तो 93.83 है। और निकोलस पूरन की बात करें तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, 419 रन मारे हैं 10 मैचों में, इनके एवरेज है 59.85। और सेल्डन कॉटरल की बात करें तो 8 मैचों में 10 विकेट लिए, इनके अकाउंट में है 5.75। और कीमो पॉल की बात करें तो 5 मैच में 9 विकेट लिए, इनके अकाउंट में है 6.88। यहाँ पर आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पर की प्लेयर्स की पहले बात करें तो पॉल स्टर्लिंग है, एंड्रू बैलबरिन, मार्क आइडर और बॉयड रैंकिन है। यहाँ पर पॉल स्टर्लिंग की बात करें तो 9 मैचों में 502 रन मारे हैं, इनके एवरेज है 55.77। और एंडी बैलबरिन की बात करें तो 9 मैचों में 352 रन मारे हैं, इनके एवरेज है 39.11। और मार्क आइडर की बात करें तो 9 मैचों में 15 विकेट लिए, इनके अकाउंट में है 6.30। और बॉयड रैंकिन ने 8 मैचों में 13 विकेट लिए, इनके अकाउंट में है 5.55। चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं ड्रीम 11 टीम दिखाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टीम, मैंने टीम बना के रख चुका हूँ ऑलरेडी। और फ्रेंड्स, ये मेरा टीम है। मैंने विकेट कीपर में दोनों विकेट कीपर शाई होप और निकोलस पूरन को लिए, क्योंकि इन दोनों प्लेयर मैच को कभी भी बदल सकते हैं। सो शाई होप को आप कैप्टन भी बना सकते हैं। और मैंने निकोलस पूरन को लिए हैं। यहाँ पर बैट्समैन की बात करें तो यहाँ पर मैंने 3 बैट्समैन को लिए हैं, लिविस, स्टर्लिंग और बैलबरिन को लिए हैं। यहाँ पर ऑलराउंडर में सिमी सिंह, डेलनी और किरण पॉलर्ड को लिए हैं। और यहाँ पर गेंदबाजी में आइडर, कॉटरेल और कीमो पॉल को लिए हैं। फ्रेंड, और कीमो पॉल को मैंने कैप्टन और किरण पॉलर्ड को वाइस कैप्टन बनाया। आप शाई होप और निकोलस पूरन, इन दोनों में कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लेयर को नहीं लिया, लिविस को लिया। आप चाहे तो यहाँ पर सिमरन हेटमायर को ले सकते हैं। इन दोनों प्लेयरों में आप एक को हटा के सिमरन हेटमायर को जरूर चूज कर सकते हो। फ्रेंड, यहाँ पर ऑलराउंडर की बात करें तो मैंने किरण पॉलर्ड को लिए हैं और केविन ओब्रायन को आप चूज कर सकते हो। सिमी सिंह को मैंने और डालने 3 प्लेयर को लिए हैं। यहाँ पर गेंदबाजी में मैंने कीमो पॉल, क्वार्टरल और मार्क आइडर को लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप बदलाव कर सकते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो इस पर, लेकिन मैंने इन 3 प्लेयरों गेंदबाजों को मैंने चूज किया। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यही है टीम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। फ्रेंड्स, थैंक यू।